नमस्कार दिव्य सज्जनों भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं यानी बाबू जी के एक और नई वीडियो में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं भाई COVID-19 या फिर आप कहें कोरोना वायरस के ऊपर। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग इन दिनों इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं और मतलब आप लोगों को इसके बारे में सारी नॉलेज होगी या हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में गलत नॉलेज होगी। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आप बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे सकूँ। और मैं चाहता हूँ जो कल एक जनता कर्फ्यू होने वाला है, जो कि मोदी जी इंडिया के अंदर उन्होंने जो कर्फ्यू ऐलान करा है, मैं चाहता हूँ आप उसको सपोर्ट करें ताकि आप लोग भाई इस वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकें। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि मैं आपको इसके सिम्टम्स, इसके प्रिकॉशंस और होने वाले जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर, COVID-19 या फिर आप कहें कोरोना वायरस, तो इस चीज़ का आतंक तो भाई आप पूरे दिन से, मतलब आप पूरे हफ्ते, पूरे महीने से देख रहे होंगे कि भाई महीने भर से कितनी बुरी तरीके से इसका हाहाकार मचा हुआ है, कितने तरीके से इसकी मतलब कितनी जनहानि हो रही है इसकी वजह से। मतलब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ ना, तो अभी तक 3,04,000 से भी ज़्यादा पेशेंट अभी तक एडमिट हो चुके हैं जो कि सस्पेक्ट्स हैं, इनफैक्ट शॉर्ट विक्टिम्स हैं कोरोना वायरस के। और उसी के अलावा दोस्तों, 1,900 जनों की इस वायरस की वजह से डेथ हो चुकी है। और इसी के अलावा दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि इसमें 90,000 से भी ज़्यादा जने अभी तक रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, कहाँ से फैला और क्या करना चाहिए। तो भाई दोस्तों, ये चाइना में वायरस हुआ था, एक गांव से फैला, और जबकि इसका मतलब कोई अभी तक एंटीडोट नहीं बना है। और ये एक सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि भाई इस चीज़ का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब इस चीज़ को कैसे सही करें, इसकी कोई अभी तक क्योर नहीं है। और इनफैक्ट WHO के अकॉर्डिंग अब ये एक पेंडेमिक डिजीज़ है। तो मैं, कई लोग पेंडेमिक का मतलब भी नहीं जानते होंगे, तो भाई पेंडेमिक का मतलब होता है कि भाई साहब महामारी, मतलब इसकी वजह से इतने लोग मर रहे हैं ना, और मतलब इस चीज़ का कोई भी क्योर नहीं है अभी तक के डॉक्टर्स, अभी तक के साइंटिस्ट के पास। तो यार अभी तक मतलब आप लोगों के पास सिर्फ इसके दो ही चीज़ें जानना जरूरी है, जो कि इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके दोस्तों सिम्टम्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर सिम्टम्स की अगर अपन बात कर ले, तो यार सिम्टम्स इसके कुछ है, फीवर होना, कफ होना, इसके अलावा दोस्तों थकान होना, गले में खराश होना, इसी के अलावा सर दुखना, छोटे मोटे दर्द होना अचानक से, जो आज तक आपको हुए भी ना हो, इसी के अलावा दोस्तों खराश, आपके गला गले में खराश होना, ये सब इसके मेन कारण है, सबसे मेन सिम्टम्स है। अगर आपको इनमें से कोई भी फेस हो रहा है, तो दोस्तों अभी के अभी डॉक्टर को जाके दिखा के आओ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है या इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टाइम से इन सब चीज़ों को दिखा देते हैं अपने डॉक्टर को, अगर टाइम से इन सब चीज़ों के लिए कंसल्ट कर लेते हैं अपने डॉक्टर से, तो भाई स्पेशली मतलब आप लोगों की जान बच सकती है। अगर आप लोग लेट करेंगे तो वैसे ही आपकी जान का खतरा बढ़ता जाएगा। तो मतलब स्पेशली इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि भाई अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी बीमारी है, या इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई बीमारी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है भले इनसे रिलेट ना करें, बट फिर भी आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कोई सिम्टम्स अभी तक ना जानने ना पहचानने में आया हो। बट जो भी है, ये मेन सिम्टम्स है, फीवर, कफ, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, ये तक एक सिम्टम है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई फटाफट से अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो जाके फटाफट से आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, ताकि भाई आपका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके और आपकी जान बच सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई अब इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है, तो भाई इससे बचे कैसे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भाई अगर आप लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है, या इनफैक्ट सिम्टम्स हैं भी, तो डॉक्टर्स को तो कंसल्ट करिए, बट जिनको नहीं है अभी तक, उन लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो कि जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख लिया, तो आपकी जान बच सकती है, आप इस कोरोना वायरस से इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सबसे पहला दोस्तों कि भाई आपके हाथ, ये जो हाथ है ना भाई, ये सबसे बड़ा कारण है आपके वायरस फैलने का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई इसमें क्या होगा, कि सिंपल
सिंपल सीधी सी है कि आप लोगों को अपने हाथ किसी से भी मिलाए ना, जितना हो सके हाथ मिलाना, कोई हैंड कॉन्टैक्ट लाना भाई अवॉइड करें, ताकि क्या है आप लोगों को भाई मतलब बच सके आप वायरस से, क्योंकि ये वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ तो है ही है, बट साथ में ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। ये कोई भी ऐसे कफ वगैरह मतलब होता है छींक वगैरह से फ़र्क पड़ता है, बट एयर टू एयर में नहीं फैलेगा ये जल्दी से, ये हाथ वगैरह मिलाने से, हाथ को कॉन्टैक्ट में लाने से फैलता है। तो भाई जितना हो सके आप सैनिटाइजर्स और अपने सोप से साबुन से धोएं, ताकि भाई मतलब स्पेशली हैंड वॉश और सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर में भी स्पेशली 60% बेस्ड मतलब 60% से ऊपर वाले अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं, ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहे, क्योंकि भाई एक सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट है। इसी के बाद दोस्तों अपने आँख नाक और मुंह, ये तीन सबसे बड़े लाइक पॉइंट है जहाँ से कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप इनफैक्ट अपने आप पूरे फेस को टच करने से अवॉइड करें भाई, ताकि क्या है थोड़ा सा ऐसे कम हो जाए इसका इफेक्ट। मतलब अगर आप अपने चेहरे को नहीं छुएंगे तो भाई थोड़ा सा फ़ायदा में रहेंगे, और अवॉइड करें भाई जिन लोगों को ये सब अपने चेहरे का शो ऑफ वो ऑफ करने की ज़रूरत है, मतलब शौक है, तो यार अवॉइड करो अभी, क्योंकि भाई ये फैलने का रिस्क सबसे ज़्यादा चेहरे से ही है, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों अभी भाई लोगों से डिस्टेंस रखें, कोशिश करें कि भाई अपने घर में रहें, क्योंकि यार आप लोग ऐसे तो भाई छुट्टियाँ डिमांड करते रहते हो, जब अब तुम लोगों को छुट्टियाँ मिल रही है तो तुम कह रहे हो कि मैं कॉफ़ी पीने बाहर चलते हैं, घूमने बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट के लिए बाहर चलते हैं। तो भाई इन सब को अवॉइड करें, घर में रहें भाई, तुम लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो यार उन सब चीज़ों को यूज़ कर लो, क्योंकि भाई शायद इस चीज़ का मौका बाद में मिले ना मिले, काम वापस आने वाला है, बट उससे पहले आप इन सब चीज़ों को इंजॉय करें, जबकि आप बाहर जाके अपनी जान को मतलब रिस्क में डाले, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं भाई, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कोई भी शादी पार्टी फ्री के खाने के लिए अगर कोई भी न्योता आए तो भाई सीधा मुंह पे इनकार करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी शायद जानलेवा हो सकती है, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों इसमें भाई सबसे ज़्यादा मेंशन वाली चीज़ है, अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर दें, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रैवल्स वगैरह के कारण हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया, तो आप समझ ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा खौफ हो चुका है, ठीक है। तो मैं बताना ही चाहूँगा कि यार भाई इन सब चीज़ों में को अवॉइड करें, मेन प्रिकॉशंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और स्पेशली दोस्तों भाई इन प्रिकॉशंस को अगर ध्यान में रख लोगे तो इन सब चीज़ों से बचे रहोगे, घर में बैठे रहो, सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, फेस वगैरह को टच करने से अवॉइड करो, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, इनसे आप बच लेंगे, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों अगर अपन बात कर लेते हैं कि भाई और क्या तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई अपने इंडिया में कुछ ज्ञानी लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो ये फेक न्यूज़ वगैरह फॉरवर्ड हो रही है ना, तो भाई प्लीज़ इन लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि भाई ये लोग आप लोगों को फॉरवर्ड करने के झांसे से आप लोगों को फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो रही है, और वो हड़बड़ होने के चक्कर में भाई लिटरली कह रहा हूँ ये वायरस और ज़्यादा फैल रहा है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई जो फालतू की अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास आ रही है भाई, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं मैसेजेस, प्लीज़ इन लोगों को इन चीज़ों को फॉरवर्ड करना बंद करें। मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाइए, ताकि आप लोग WHO की ऑनलाइन वेबसाइट सॉरी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आप हाई भेजेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी। तो भाई मैं अभी आप लोगों को कहूँगा कि यार बेटर भी आप उनसे रेफ़र करें, इन सब फालतू की अंधविश्वासों में मत पड़े भाई, ये सारी फालतू की इन सब चीज़ों में ना पड़े। और इसी के अलावा दोस्तों जो ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं कपूर, ये सब धूप में रहिए गर्मी में रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वाकई ऐसा होता ना तो आप लोगों के पास स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये लोग सिर्फ व्यूज़ के भूखे हैं, ये लोग सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को ऐसी ऐसी पाठ और पटियाँ पढ़ा रहे हैं कि जिसकी वजह से आप लोग शायद इस कोरोना वायरस का इफेक्ट और बढ़ा देंगे। तो मैं बेटर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों में मत पड़े। गवर्नमेंट को जहाँ तक पता है ना, तो भाई गवर्नमेंट सब चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है, तो बेटर भी आप उनको रेफ़र करें, न्यूज़ चैनल्स, गूगल
जो बेस्ट सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उनसे रेफर करें, इन सब फालतू के व्हाट्सएप नोट मैसेजेस वगैरह से ना पढ़ें, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भाई, जो स्पेशली आप लोगों को जिनकी ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो भाई मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा भाई, आप लोगों को कोरोना वायरस जल्दी पकड़ में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इसी के अलावा दोस्तों जो आप लोग जो यंगस्टर्स हैं मतलब बिलो 12 बिलो 14 वो लोग बाहर जाना अभी अवॉइड करें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। और इसी के अलावा दोस्तों जो 50 प्लस के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर आप लोगों के घर में से कोई भी है तो प्लीज़ उन लोगों को ध्यान रखें उन लोगों का, क्योंकि भाई उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी पकड़ रही है। और इसी के अलावा दोस्तों यही चीज़ें उन लोगों की जान भी ले रही है, तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों पे नहीं बट अपने पे भी, बट उन लोगों पे थोड़ा सा ज़्यादा अपने से, ताकि भाई आप लोग उनकी जान बचा सको। मैं ये वीडियो बनाने के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं था, बट क्या है यार, मैं मतलब हफ्ते भर से देख रहा हूँ ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन वगैरह को फैलते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के खातिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना दूँ। तो भाई स्पेशली मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, कल यानी कि आज 22 मार्च है और मैं मतलब अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज भाई एक जनता कर्फ्यू होने वाला है और मैं वीडियो सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा, तो बेटर भी आप लोग इसका साथ दें, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, ताकि इस कोरोना वायरस को रोका जा सके। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि भाई इसको बस रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार फैल गया ना दोस्तों तो शायद ये इस दुनिया का अंत होगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक विनती चाहता हूँ कि भाई इस जनता कर्फ्यू का सपोर्ट करें, और मैं तो जनता कर्फ्यू के अलावा भी जब तक इस कोरोना वायरस का मतलब रिस्क वगैरह कम नहीं हो जाता, जब तक आप प्लीज़ घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। आपके पास ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल है, आपको कुछ भी शॉप करना है तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, तो वहाँ से खरीदिए जबकि बाहर जाने की बजाय, तो बेटर भी। मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगा, भले इस वीडियो को लाइक करो कि डिसलाइक करो, कमेंट करो या ना करो, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो या ना करो, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों के भाई घर वालों को, आपके प्यार करने वालों को भाई ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो यार बस मैं इतना ही चाहूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है भाई, आप लोगों को क्या करना है, इट्स योर रूल, इट्स योर वर्ल्ड, तो भाई ध्यान रखो। बस इसी के साथ एज ऑलवेज शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, सलाम अलैकुम, ध्यान रखना।